तनाव और प्रेशर से मुक्ति कैसे पाए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के संघर्ष में जीवन में तनाव प्रेशर है, और उसमें से फिर लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बाकी काफी सारी बीमारियां लोगों को आ रही। सिंपल फॉर्मूला है, यदि हम वो ऑफर दें तो ज्यादा प्रेशर टेंशन नहीं होगा। एक तो क्या है कि आज के जमाने में, नंबर वन, आज के जमाने में आपको ये देखना है कि भाई इनफ आपके पास में पैसा कैसे है। क्यों है कि जो पैसे से खरीदा जा सकता है वो पैसे से ही खरीदा जा सकता है, उसके लिए पैसा ही लगता है, और वो यदि आपके पास में है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका टेंशन बहुत सारा दूर हो जाएगा। फिर पैसा कितना होना चाहिए, क्योंकि पैसा कितना भी रहा तभी कम है। पैसा इतना होना चाहिए जो आपको प्रेशर से मुक्त करेगा कि अपना महीने का खर्चा कितना है, और जो आपका महीने का खर्चा है उतना आप यदि पैसा कमाते हो, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हो ताकि आप सेविंग भी कर सके, तो आपको प्रेशर नहीं है। क्योंकि क्या है कि आपको पेट्रोल भरना है, आपको बाइक रखना है, आपको बच्चों की एजुकेशन है, आपको खाना पीना करना है, आपको कोई बाहर होटल में जाके खाना खाना है, कभी महीने में एक बार दो बार गए तो, या मूवी देखना है, जो भी कुछ करना है, आपको हर जगह पैसा लगता है। और वो यदि पैसे का दिमाग में कंटिन्यूअसली आपके है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा टेंशन आता है, चिड़चिड़ होती है, इरिटेबिलिटी होती है, संघर्ष होता रहता है, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। घर में आने के बाद मेरी पत्नी कुछ बोलती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और आपके पास में पैसा नहीं है, तो फिर वो और प्रॉब्लम हो जाता है। तो पैसा इनफ होना, और इनफ मेरा मतलब इतना है कि जितना आपके खर्चे वहां उतना पैसा यदि आपको मिलता है, थोड़ा ज्यादा भी पैसा मिलता है तो आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि भाई मैं पैसा यह जमाने में कितना लगता है, और वो कह वो मैं कितना कमा सकता हूँ, कैसे कमा सकता हूँ, नंबर एक। नंबर दो जो है कि समझो आप एक नंबर कमा रहे, एक अमाउंट कमा रहे, फिर आपके खर्चे जो है वो उससे कम होना चाहिए। क्या कई लोगों के खर्चे बहुत सारे लोग बढ़ा देते हैं, और खर्चे बढ़ा के फिर तक 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 करते पैसे। अभी हमारे एक परिचित है, उन्होंने एक जगह लिया, एक फ्लैट लिया, उसका भी ईएमआई चालू है, उसके लिए लोन चालू है, फिर उनको बाद में ख्याल में आया कि नहीं नहीं ये जो है ना ये फ्लैट चौथे मंजिल के ऊपर है, अपने को जाना आना तकलीफ वाला कार्यक्रम है, लिफ्ट बहुत बार बंद पड़ती है, सोसाइटी का मेंटेनेंस है नहीं है, तो भी हमको इतने ऊंचाई पे भी जमता नहीं है, अभी हमको ग्राउंड फ्लोर पे होना जरूरी है। अब देखिए ग्राउंड फ्लोर पे घर करना बहुत जरूरी है ऐसा उनको लगने लगा, क्योंकि ऊपर जाना आना घुटने दर्द कर रहे हैं, तो अभी ग्राउंड फ्लोर के लिए अभी वो तक करे, ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने एक फ्लैट बुक कर लिया, अभी वो ज्यादा कीमत का उनको लेना पड़ा, अभी बोले ये बेच के हम वो फ्लैट लेंगे। अब देखो ये बेचा नहीं गया तो नया फ्लैट लेने वाले, फिर वहां का लोन करेंगे, फिर वहां का ईएमआई, बोलते फिर हमको खर्चा बहुत है, ये ईएमआई वो ईएमआई बहुत खर्चे है, फिर उतने में उनका एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें वो बाइक से गिर गए, और वो बाइक से गिरने के बाद हॉस्पिटलाइज करो, हॉस्पिटलाइज करके छोटा ऑपरेशन करो, काम पे लगते नहीं है, तो उतने में कोविड हो गया। अब देखिए खर्चे आपके इतने बड़े है और खर्चे इतने मैं तो मतलब रहती है खर्चे, तो फिर उसमें हमको ये देखना है कि हमारा जो इनकम है वो हरदम एक अमाउंट है, वहां से हमारे खर्चे कम होना चाहिए, फिर वो खर्चे भी आपको काटकूट करने पड़ेंगे, कट करने पड़ेंगे, या फिर इनकम बढ़ाना पड़ेगा, दो में से एक ही, एक तो खर्चे कम करो, और हरदम ये आपको देखना है कि 30% इनकम आपका जो है, 30% इनकम का 30% वो आपने बाजू में रखना चाहिए, वो आपका सेविंग होना चाहिए, या फिर इमरजेंसी फंड के लिए काम में आ जाएगा, ऐसा होना चाहिए। ये दो आइटम हो गए, नंबर एक इनफ पैसा, नंबर दो इनफ मिनिमम खर्चा। तीसरा जो है वो है कि हम लोगों से एक कंपैरिजन करते रहते हैं, या लोगों से कंपैरिजन करते हैं, और वो कौन से लोगों से करते हैं, जो अपने बराबरी के हैं उनसे करते हैं कि भाई वो ऊपर नहीं आना चाहिए, वो ऊपर गया तो हमें बहुत दुख होता है, तो उनसे कंपैरिजन करते रहते हैं, या फिर अपने आप से कंपैरिजन कि अभी मेरी एक लेवल है, अभी इससे मैंने नीचे जाने को नहीं होना, या तो लोग क्या कहेंगे, तो फिर एक मेरी एक लेवल है वहां से मैंने नीचे आने को नहीं होना, अपने आप से कंपैरिजन, लोगों से कंपैरिजन कि मेरे बराबरी का है वो ऊपर नहीं जाने को होना, या फिर जो मेरे नीचे वाला जो है फाइनेंशियली बोलो, स्टेटस वाइज बोलो, नाम वाइज, इज्जत शोहरत वाइज, वो ऊपर नहीं जाने को होना, और वो जाता है तो उनको बहुत दुख होता है, या वहां से फिर हमारा टेंशन प्रेशर बढ़ते जाता है, क्योंकि हम अपने आप के नजर में उतर जाते हैं, लोगों के नजर में उतर जाएंगे हम, ऐसा हमको लगता रहता है। सो नेवर नेवर एवर कंपेयर, मेरी सारी से उसकी सारी सफेद क्यों, ये हरदम का सवाल तो आपको रहने वाला ही। एक कहानी है बताता हूँ आपको, मतलब लोग इतना मकसद, इतना द्वेष
लोगों के मन में भरा हुआ है। ये कहानी से आपको समझ में आएगा। एक आदमी को भगवान बहुत खुश हो गया तो उसने बोला कि आप जो चाहिए वो मांगो। तो क्या बोलता है कि ठीक है मैं कुछ भी मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। भगवान बोले हाँ तुम जो कुछ, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, आप जो भी मांग लेंगे वो आपको मिल जाएगा। और बहुत ही खुश हो गया ये व्यक्ति। भगवान बोले रुक जाओ, मगर शर्त यह है कि आप जो मांगेंगे उससे डबल आपके पड़ोस को मिलेगा। फिर ये दुखी हो गया, बोले ये कैसा क्या न्याय है। बोले आपको क्या करना है, आपको जो चाहिए मिल रहा है ना, पड़ोसी को डबल मिलेगा। बोले ठीक है भाई, भगवान मान ही नहीं रहे पड़ोसी को डबल मिल रहा है तो ठीक है। वो तैयार हो गया, बोले मेरे को तो मिलेगा जो मैं मानता हूँ ठीक है। बोले मगर ये जो अक्सर ये जो कंपैरिजन जो है वो बहुत खतरनाक होती है। इसने बोला कि ठीक है मुझे क्या करो, बड़ा बहुत बड़ा लॉन दे दो मेरे घर के सामने। बोले ठीक है दे दिया, तथा बहुत बड़ा लॉन मिलेगा, इतना अच्छा लॉन कि बस वो लॉन में वो मजा करना करना चाहिए ऐसा उसको लगा। उसको एक लॉन मिल गया, बाजू में देखा तो बाजू वाले को दो लॉन मिल गया। इसने बोला ठीक है मुझे ना बहुत बड़ा महल दे दो, क्योंकि लॉन को शोभा देने वाला तो महल ही होना चाहिए ना। भगवान बोले तथा उसको बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा महल उसको दे दिया। बाजू में उसने कहा तो बाजू वाले को दो महल मिल गए थे। बहुत दुखी होगा, बोले चक्कर क्या है। बोले ठीक है मुझे ना बहुत आलीशान गाड़ी होना, फोर व्हीलर चाहिए मुझे और एक ने दो चाहिए। भगवान बोले तथा आपको दो गाड़ी दे रहा हूँ, एकदम टॉप की गाड़ी उसको दे दिया, 5-5 करोड़ वाली। बहुत खुश हो गया, मगर बाजू में देखा तो बाजू वाले को 4 गाड़ियां मिली थी। अभी बोले यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, मैं जो मांग रहा हूँ मुझे तो मिल रहा है मगर बाजू वाले को नहीं मिलना चाहिए। बोले ठीक है अभी जो बाजू वाले को डबल ही मिल रहा है ना, ठीक है अभी तो मैं देख ही लेता हूँ। भगवान मुझे बोले 1 आंख से अंधा कर। अब देखिए उसको प्रॉब्लम ये था कि अभी भगवान उसको 2 आंख से अंधा कर लेगा, मतलब उसको पूरा अंधा ही कर देंगे। बोले मुझे 1 आंख चलती है, उसको 2 आंख से अंधा कर लेगा। इतने हम जलते रहते हैं, इतने हमारे दिमाग में द्वेष मत्सर रहता है, तो वो हमको कभी सुख नहीं करने देगा। प्रेशर टेंशन हरदम लगा रहेगा, हरदम कंपैरिजन में हम रहेंगे तो हरदम दुखी रहेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला बताया कि इनफ पैसा, जो आपको खर्चे लगते हैं उतना पैसा मिलना चाहिए। नंबर 2, आपका खर्चा जो है वो इनकम से कम होना चाहिए। नंबर 3, कंपैरिजन किससे मत करो, कंपैरिजन करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। नंबर 4, अपेक्षा मत करो, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ ऑल अपसेट्स ऐसा बोला जाता है। जो आप अपेक्षा रखते हो, जो भी अपेक्षाएं आपको है वहां की, वहां अपेक्षा रखते हैं ना, तो अपसेट की, गुस्सा करने की, दुखी होने की वो जड़ है अपेक्षा। क्योंकि अब जब हम अपेक्षा रखते हैं तो वहां से फिर वो सामने वाला भी दुखी हो सकता है, अपेक्षा पूरी भी नहीं हो सकती है क्योंकि आपकी हर अपेक्षा पूरी होती नहीं है। अच्छा एक अपेक्षा पूरी हो गई फिर नई अपेक्षा शुरू हो जाती है, फिर तीसरी अपेक्षा शुरू हो जाती है। समझो आप आपके वाइफ से कोई अपेक्षा कर रहे हो, उसने तो आपकी अपेक्षा पूरी कर दिया, हो गया काम, नहीं होगा, फिर क्या करेंगे आप, फिर और नई अपेक्षा तैयार हो जाएगी, फिर वो पूरी हो गई तो मतलब सामने वाला तो आपकी अपेक्षा पूरी कर ही सकेगा नहीं। तो आप अपेक्षा से कुछ भी काम ही सामने वाले के लिए करते हो तभी भी आपको दुख आने वाला है। कुछ भी आप अपेक्षा से करते हो या अपेक्षा सामने वाले से रखते हो तभी भी आपको दुख आएगा। आप अपेक्षा विरहित जीना कैसे जी सकते हो महत्व का है। अपेक्षा बिल्कुल ही नहीं है, करना है तो करो न मत करो। अपेक्षा रखेंगे तो हरदम दुखी हो जाओगे, हरदम का दुखी होने का कार्यक्रम है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन जो है अपेक्षा है, तो इसलिए फिर क्या है, इसलिए उसके लिए जैसा है वैसा चूज करना है, जिस तरह से है उस तरह से उसको एक्सेप्ट करना है। प्यार किसको बोलते हैं, प्यार उसी को बोलते हैं कि आप जैसे हो वैसे हो और जैसे नहीं हो वैसे नहीं हो। मैं आपका स्वीकार करता हूं, आपको चाहता हूं, स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, उसको बोलते हैं प्यार। तो प्यार करो लोगों से, अपेक्षा मत करो। तो आप ये चारों तरीके अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप फ्रीडम, प्रेशर, तान तनाव, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इससे मुक्ति पाओगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसमें भी काफी जानकारी मिलेगी और आप हमारे संपर्क में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।